प्रीवियस ईयर नेट क्वेश्चन एम सी क्यू पढ़ने जा रहे हैं आज हम। पहले हमारे पास जो एम सी क्यू है वे सारे नीट बेस हैं, यानी जितने प्रीवियस ईयर एग्जाम नीट के अंदर आपके जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे भाई। पहला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है नथिंग लाइव फॉर एवर बट लाइफ कंटिन्यूज व्हाट डज इट मीन। ये कह रहा है कि जो लाइफ है वो कुछ नहीं है, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए नहीं है भाई, बट लाइफ कंटिन्यू लेकिन आपका जीवन काल चलता रहता है, ये सजीव आपके आते रहते हैं जाते रहते हैं, व्हाट डज इट मीन, इसका अर्थ क्या है या इसका अर्थ क्या है भाई। कह रहा है कि ओल्डर डाई बट न्यू आर प्रोड्यूस ड्यू टू रिप्रोडक्शन। ये बात सही कि आपके भाई ओल्डर मतलब आपके जो बड़े हैं या बूढ़े हैं वो आपके मर जाते हैं, ड्यू बट न्यू आर प्रोड्यूस लेकिन आपके नए पैदा होते हैं ड्यू टू रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन की वजह से। नथिंग कैन प्रोड्यूस विदाउट डेथ भाई, वे कह रहा है कि बिना डेथ के कुछ प्रोड्यूस नहीं होता, ये बात गलत है भाई। भाई डेथ होने से पहले आपका रिप्रोडक्शन हो जाए तो आपके जीव प्रोड्यूस होंगे यानी उनके आपके प्रोड्यूस हो जाएंगे भाई, नहीं। डेथ इज नथिंग टू डू विद द कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ, ये कह रहा है कि डेथ कुछ नहीं करती यानी आपका स्पीशीज जीवन को लगातार नहीं करती भाई, लगातार करती है भाई, डेथ ना होगी तो आगे जीव नहीं बढ़ेंगे, तो ये बात भी गलत है भाई। अगला हमारे पास में है कि पार्थिनोजेनेसिस इज मस्ट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बात बिल्कुल गलत है भाई। पार्थिनोजेनेसिस आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भाग है ही नहीं, विदाउट फर्टिलाइजेशन आपका बढ़ता है एम्ब्रियो, उसको बोलता हूँ मैं पार्थिनोजेनेसिस, तो आपके जो टर्म नंबर आपका पहला ऑप्शन रहेगा वो रहेगा करेक्ट भाई। उसके बाद हमारे पास में है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में है, आइडेंटिफाई करना है द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएट विद पेनिसिलियम। ये कह रहा है कि आप लोग आपको पहचानने की कौन सी स्ट्रक्चर है सेक्सुअल जो आपकी जुड़ी हुई बेटा पेनिसिलियम के साथ में, तो आपको पता है कि हमारा जो ए ऑप्शन है वो आपका जूस पोर है भाई। तो आपकी जो जूस पोर होती है वो होती है भाई क्लेमिडोनाज की, और कह रहा है कि हमारे पास कोनिडिया, हाँ भाई कोनिडिया होती पेनिसिलियम की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका राइट आंसर भाई, आपकी कोनिडिया रहेगी बेटा पेनिसिलियम की। और कह रहा है कि जिमूल, हाँ भाई जिमूल आएंगे आपके स्पंज के अंदर, आपके जो जिमूल्स होते हैं आप पढ़े हुए आपने ये बात कि आपकी ये स्पंज की होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। बर्ड्स मिलेंगे आपको भाई हाइड्रा के अंदर, तो बर्ड्स इन हाइड्रा, तो आपके जो बर्ड्स रहेंगे वो रहेंगे हाइड्रा के अंदर। अगला हमारे पास में है क्वेश्चन नेक्स्ट, ऑफसेट आर प्रोड्यूस बाई, आपके जो ऑफसेट हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, तो आपके जो ऑफसेट होंगे उनके अंदर होगा बेटा आपका माइटोटिक डिवीजन, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा करेक्ट आंसर इसका। उसके बाद कह रहा है Which one of the following statement is not correct? आपको बता रहे हैं कि कौन सी जो स्टेटमेंट है नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से आपकी सही नहीं है। ये कह रहा है कि ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस बाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन। हाँ ये बात ठीक है भाई, आपके जो बच्चे पैदा होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान उस टर्म को हम क्लोन बोलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है भाई। अब कह रहा है कि माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड जूसपोर, सही बात है भाई, जूसपोर आपकी माइक्रोस्कोपिक होती है, मोटाइल भी होती है बेटा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है क्लेमिडोनाज की, तो ये तीनों बात सही है भाई। इन पोटैटो बनाना एंड जिंजर द प्लेटलेट्स राइज फ्रॉम द इंटरनोड प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम, ये बात गलत है भाई। पोटैटो के अंदर बनाना और जिंजर, आपको पता कि हमारा जो पोटैटो है वो ग्रो करता भाई आइज से, जबकि आपका जो बनाना है और आपका जो बेटा जिंजर है वो हमारी राइज करती राइज ऑफ स्ट्रक्चर से, तो आपका यहाँ पर स्टेम वाला ऑप्शन गलत हो गया भाई। अगला कह रहा है कि वाटर आइसिंथ थे ग्रोविंग इन द स्टैंडिंग वाटर, ये बात भी सही है कि भाई आपका जो वाटर आइसिंथ नाम का जो प्लांट है ये आपका ग्रो करता है स्टैंडिंग वाटर यानी खड़े पानी के अंदर, ड्रेन्स ओ2 फ्रॉम वाटर, हाँ भाई आपकी ऑक्सीजन को भी वहाँ से निकाल देगा और दैट लेड्स टू द डेथ ऑफ फिशेज, जिससे मछलियों की मृत्यु हो जाएगी, तो आपका ऑप्शन डी भी ठीक रहेगा। तो इनमें से स्टेटमेंट गलत कौन सी होगी भाई, आपकी नॉट करेक्ट है,
आपका जो आपने पर्सन ध्यान से पढ़ना कि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो आपका नॉट करेक्ट मेन आपका जो सी ऑप्शन रहेगा ये रहेगा नॉट करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच बाई, वही बात फिर पूछ रहा कि नॉट करेक्टली मैच, आपका सही मैच कौन सा नहीं कर रहा है। पहला हमारे पास में बाइनरी फ्यूजन है सरगेसम, भाई बाइनरी फ्यूजन तो आपका सरगेसम में तो नहीं होगा भाई, क्योंकि ये तो सरगेसम आपकी कल की है, यहाँ पर आपका बाइनरी फ्यूजन नहीं होता। आपका जो सरगेसम दिखाई हुई है इस सरगेसम के अंदर आपका बेटा बाइनरी फ्यूजन नहीं होगा, इस सरगेसम के अंदर आपका होगा भाई रीजर्नेशन, रीजर्नेशन होगा, ठीक है आपका यह होगा स्पोर फॉर्मेशन भाई, ठीक है स्पोर बनेंगे भाई इसके अंदर आपके, स्पोर फॉर्मेशन मैक्सिमली आपका होता है स्पोर फॉर्मेशन, तो आपका जो सरगेसम है उसके अंदर आपके स्पोर के द्वारा बनेगा भाई, होगा एक दूसरे प्रोडक्शन ही लेकिन आपकी स्पोर फॉर्मेशन होगी, तो आपका ये तो मैच नहीं कर रहा भाई, ये तो आपका हो जाएगा गलत। अगला हमारे पास में है कोनिडिया इम्पेनिसिलियम, ये ठीक है भाई मैचिंग आपकी, ऑफसेट ऑफ वाटर आइसिंथ ये भी ठीक है आपने पढ़ा होगा, और कह रहा कि राइजोम को बनाना, हाँ ये ठीक है पढ़ गया ऊपर, जिक्र क्या होगा अपने राइजोम होती बनाना जिस बनाना के अंदर जिससे आपका बनाना राइज करता है यानी उगता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये आपका भाई इनकरेक्ट है या इन नॉट करेक्ट मैच। अगला हमारे पास में है कि ये कह रहा कि इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अक्कर थ्रू, जिंजर के अंदर भाई अब यहाँ पढ़ गया है कि जिंजर और बनाना के अंदर दोनों के अंदर आपका होता है भाई राइजोम के द्वारा, तो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा है इसी में क्वेश्चन दोबारा फिर आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका रहेगा सी करेक्ट भाई। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच भाई, कह रहा कि करेक्टली मैच कौन सा है, आपको पता है कि हमारे पास दिखा रखा है कि ओनियन, ओनियन की बल्लब ये बात ठीक है भाई करेक्टली मैच कर रहा है, जिंजर सुकर ये बात गलत है भाई, जिंजर तो राइजोम ही बनाना आएगा इसका, कलेबोडानस कोनिडिया गलत है भाई पेनिसिलिन होती है आप पढ़ गया पीछे कोनिडिया पेनिसिलियम, और कह रहा है कि यीस्ट इन नहीं भाई आपकी जो स्पोर होते हैं कलेबोडानस के अंदर, तो ये बात भी गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर रहेगा भाई ए करेक्ट है। अब कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच वाहिल द रिमेनिंग टीचर करेक्ट, ये कह रहा है कौन सा जो पेयर है वो आपका रॉन्गली मैच है भाई, आपको ध्यान से पढ़ना कि रॉन्गली मैच कौन सा है और आपका कौन और जो बाकी पेयर है वो आपके ठीक है भाई, तो पेनिसिलियम इन कोनिडिया ये बात ठीक है आपका पेयर ठीक रहेगा, वोट्राइसिंथे के अंदर रनर ये आपका गलत है भाई, वोट्राइसिंथे के अंदर आपका ऑफसेट होते हैं पिछ पड़ गया ना ऑफसेट ऑफ वोट्राइसिंथे, आप ब्रायफाइलम के अंदर लीपर्स और ब्रायफाइलम ये बात ठीक है बिल्कुल आपकी भाई, और कह रहा है कि बुलबुल ऑफ अगुआ होती है आपकी ये बात भी ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बेटा ये आपका इनकरेक्टली मैच है या रॉन्गली मैच कर रहा है। उसके बाद आई ऑफ द पोटैटो ट्यूबर आर, लेकिन आपके जो आई ऑफ पोटैटो होती है ट्यूबर आर ये कहाँ से हमारी होती हैं, ये आपकी होती हैं भैया ऑक्सिलरी बर्ड से ग्रो करती हैं, आपकी रूट बर्ड से ग्रो नहीं करेंगी आपका पोटैटो के अंदर, और ना ही आपकी फ्लोर बर्ड से करेंगी और नए आपकी करेंगे बेटा सूट बर्ड से, ये आपकी ग्रो करती है एक्जिलरी बर्ड से भाई, आपने देखा भी होगा एग्जाम्पल के लिए आपको ये बता रहा हूँ, ये आपका पोटैटो है और यहाँ पर आपकी आई होती हैं और इधर ये आपकी आई होती हैं और आई के ऊपर ही आपको दिखाई मिलेगा भाई ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है यहाँ से आपका नया उगता है तो इसे वो बोलते बेटा आप एक्जिलरी बर्ड पे। नेक्स्ट हमारे पास में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पिस्टिया अक्करवाई, लेकिन आपका पिस्टिया के अंदर आपका जो रिप्रोडक्शन होगा वो किसके द्वारा होगा या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके द्वारा होगा, इसका ऑप्शन ऑप्शन रहेगा भाई आपका बी ऑप्शन यानी ऑफसेट के द्वारा होगा भाई, आपका जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है पिस्टिया के अंदर वो रहेगा बेटा आपका ऑफसेट के द्वारा। अगला हमारे पास में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन मिंट अक्करवाई, ये कह रहा है कि आपके पास जो मिंट प्लांट है उसके अंदर आपका जो किसके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा, ये फिर आपको बोलते हो वैसे तो बोलते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही प्लांट के अंदर बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो आपकी शक्कर रहेगी भाई इसके अंदर आपका शक्कर आ जाएगा अक्कर शक्कर। ड्यूरिंग रीजनरेशन, रीजनरेशन के दौरान मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन इज नोन एज, ये कह रहा कि
ड्यूरिंग रीजनरेशन, रीजनरेशन के दौरान आपका जो मॉडिफाई होता है एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के अंदर इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं आपका एपिमॉर्फिसिस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ अग्वावा कर्थ रो भाई, आपका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, कर के द्वारा अपने अग्वावा के अंदर किसके द्वारा होगा भाई, आप पढ़ चुके पीछे आपको राइजोम ऑफ जिंजर के अंदर होता है, ये तो नहीं होगा आपका, ठीक है, आपका फ्लोन पार्ट भी नहीं होगा, तो बुलबिल्स ऑफ अग्वावा भाई ये आ जाएगा अग्वावा के अंदर, और शक्कर तो नहीं होगा बिल्कुल भी भाई। फोर यूनियन बिटवीन स्टोक एंड साइकन इन ग्राफ्टिंग, विच वन इज द फर्स्ट टू अकर भाई, लेकिन आपका पहले क्या बनेगा, तो पहले हमारे पास बनता है फॉर्मेशन ऑफ कैलस, और फॉर्मेशन ऑफ कैलस होने के बाद ही हमारा आगे स्टेप बनेगा, तो इसलिए आपका जो पहला पार्ट बनता है वो आपका बनता है फॉर्मेशन ऑफ कैलस, ये बात ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडेटा भाई ये बात गलत है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यू वैस्कुलर टिश्यू भाई ये बात भी गलत है। और रीजनरेशन ऑफ कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मस भाई ये बात भी गलत है। उसके बाद कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन, ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन किए हैं सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर थे। इन सम प्लांट द फीमेल गैमेट्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये कह रहा है कि कुछ प्लांट के अंदर आपका जो फीमेल गैमेट बनता है वो डेवलप हो जाएगा इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस फिनोमेना को आप क्या बोलते हो या इस टर्म को आप क्या बोलते हो, तो आपका जो 15 का क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा हमारे पास में पार्थेनोजेनेसिस, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन आपका एम्ब्रियो का बनना, फीमेल गैमेट से आपका एम्ब्रियो बनना इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोकार्पी होता है फ्रूट का बनना, ये तो गलत हो जाएगा, फ्रूट पोजन रखे ऑटोगैमी भी आपकी गलत है, आपकी सिंगैमी होती है फ्यूजन, तो ये आपके ऑप्शन नहीं गलत, आपका ए ऑप्शन रहेगा राइट। विच द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम, ऐसा कौन सा फ्लोर है जो अपने पूरी जीवन काल में एक बार फ्लोरिंग करता है, तो आपकी है भी बम्बो स्पीसीज़।